नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई प्रभातपट्टन में मृत तेंदुए का शावक मिलने से मची हड़कंप। मुलताई नगर के वन विभाग रेस्ट हाउस के पास वन विभाग द्वारा एक मृत तेंदुए को लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाकर दाह संस्कार किया। जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग का कहना है कि उन्हें कल शाम 6 बजे सूचना मिली थी कि प्रभातपट्टन के पास पावल गाँव के एक खेत के कुएं में तेंदुए का शावक गिर गया है, जिसे निकालकर मुलताई लाया गया है। बताया जा रहा है कि ये मादा शावक है, जिसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए के शावक का देह संस्कार किया गया। दाह संस्कार में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। वरिष्ठ अधिकारियों ने जाँच के आदेश दिए। मुलताई संवाददाता संतोष डोंगर दिए की रिपोर्ट। ये जानकारी प्राप्त हुई थी ग्रामीणों से, लोकल फील्ड स्टाफ को, कल शाम की बात है कि पट्टन में पावल ग्राम गांव में एक कुएं में तेंदुए के शावक की बॉडी दिखी थी, तो उसको रिट्रीव किया गया है। इसको पीएम करा के उसमें पाया गया है कि सब चीज़ें इंटैक्ट हैं, सारे उसके अंग इंटैक्ट हैं और मृत्यु जो है, मृत्यु का कारण डूबने का ही है। तो ये डिटेल्स हैं। तो सर, इसमें कोई शिकार वगैरह वाली कोई शिकार की कोई इसमें संभावना नहीं है, ना कोई आशंका है। कोई चोट पाई गई सर उसको? कोई चोट नहीं पाई गई है, कोई अंग भी मिसिंग नहीं है। वो पूर्ण रूप से डूबने से ही मृत्यु हुई है। सर, जैसा कि ये शावक था, तो निश्चित रूप से क्योंकि इसके माता पिता और झुंड में और भी हो गए, तो तेंदुए में ऐसा झुंड का नहीं रहता सर, तो उसकी सिर्फ माता रहती है जी। क्योंकि ये क्षेत्र जो है जंगल से लगा हुआ है, तो कभी कभी जानवर जो है वो बाहर भी आ जाते हैं जी। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुएं में इसके गिरने से मृत्यु हुई है। हमारी टीम वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करती रहेगी और आज जो है हमारी जो